ओम शांति। आज बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। बसंत पंचमी आते ही हर भारतवासी के मन में हर्षोल्लास छा जाता है। एक सुंदर सा ऋतु परिवर्तन का, मौसम परिवर्तन का संकेत है। जैसे कि दो महीने से धरती मां ने शीत की चादर ओढ़ के रखी थी और अब धरती मां भी अंगड़ाइयां लेकर के जागृत हो रही है। हवाएं बदलने लगी है, मौसम में परिवर्तन आने लगा है और इसीलिए बसंत पंचमी पर इस परिवर्तन के लिए भी हम सभी तैयार हो जाते हैं। खुशी के साथ उसको एक त्योहार के रूप में मनाते भी हैं, स्वागत करते हैं। हम भारतवासी भी कितने न सौभाग्यशाली हैं। दुनिया के अंदर किसी भी प्रदेश में न इतने त्योहार हैं, न इतनी ऋतु परिवर्तन हो रही है। दुनिया के अंदर कई प्रदेश ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही ऋतु चलती है, सारा साल शीतकाल में ही वो लोग बिताते हैं। खास करके उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के लोग। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां सिर्फ दो ऋतु चलती है और कई प्रदेश ऐसे हैं जहां तीन ऋतुएं होती हैं। लेकिन भारत में हम सभी छह ऋतु का अनुभव करते हैं और हर दो मास में ऋतु परिवर्तन के साथ बड़े खुशी के साथ हम उस ऋतु का स्वागत करते हैं, आवाहन करते हैं, त्योहार मनाते हुए। इसी तरह आज देखा जाए कि बसंत पंचमी अर्थात बसंत बहार का आगमन है और धीरे धीरे वो सर्दी की जो ठंडक थी कम होने लगती है और जैसे प्रकृति में भी एक नया जीवन, एक नई चेतना प्रस्फुटित होने लगती है। डाल डालियां झूमने उठती है, कोयल अपने मीठे गान आरंभ कर देती है और कोयल की कुहू से जैसे सारा वातावरण तरंगित हो उठता है। नए पुष्प, नए पत्तियां आने लगती हैं वृक्षों के ऊपर, नए फूल जैसे ही खिलने लगते हैं, अर्थात बसंत की बहार आते ही हरेक मनुष्य के मन के अंदर भी नई आशाएं, नई आभा प्रवाहित होने लगती है। जैसे कि एक नया जीवन हरेक को प्राप्त हो गया है। कितनी सुंदर ये बाहरी मौसम हम अनुभव करेंगे। जैसे जैसे वायु में परिवर्तन आता जाता है, सूर्य उत्तरायण की ओर आगे बढ़ने लगता है तो दिन लंबा होने लगता है, रातें छोटी होने लगती है और बसंत पंचमी से प्रकृति के अंदर रंग बिरंगी पुष्प सुगंध फैलाते हुए सारी हवाओं को महका देते हैं। जब इतनी प्रकृति खुशी में आ जाती है तब हम समझते हैं कि सचमुच ये ऋतु अनेक प्रकार के मनुष्य जीवन में भी खुशी के रंग भरने लगती है
और बसंत पंचमी के ये हर्षोल्लास का त्योहार फिर होली के रंगों के साथ ही समाप्त होता है। इसीलिए कहा कि हम भारतवासी 6 ऋतु अनुभव करते हैं। यही बसंत बहार के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, उसके बाद बरसात आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी, हेमंत ऋतु आएगी और शीतकाल। इस तरह से 6 ऋतु का आनंद हम सभी लेते हैं विभिन्न त्योहारों के साथ। साथ ही साथ बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाएं अनेक है इसके साथ जुड़ी हुई। सबसे पहली पौराणिक कथा जो उसके साथ जुड़ी हुई है वह है कि कहा जाता है कि शबरी माँ ने जूठे बेर इकट्ठे किए कि मेरे राम जी एक दिन आएंगे और उन्हें ये मीठे बेर खिलाएंगे। और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन आखिर शबरी माँ के इस प्रेम की भावनाओं का सम्मान देते हुए राम जी उसके द्वार पर पहुंच गए और उसके प्रेम की भावना को स्वीकार करते हुए वो जूठे बैर भी खाए। भावार्थ यही है कि ये ऋतु हमें संकेत देती है कि हमें भी ईश्वर के साथ इतना सुंदर स्नेह, निस्वार्थ भाव का स्नेह, जितना हम ईश्वर के साथ अगर रखने लगेंगे तो परमात्मा भी हमारे स्नेह को स्वीकार करते हुए हमारी भावनाओं को सम्मान देंगे। तो परमात्मा से प्रेम करने की ये ऋतु है बसंत बहार की। साथ ही साथ और एक पौराणिक कथा है कि कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा तो जैसे उसमें कोई जान नहीं थी, तो इस सृष्टि में जान भरने के लिए या उसको सुव्यवस्थित करने के लिए मां सरस्वती का जन्म हुआ और मां सरस्वती ने अपनी वीणा बजाते हुए मधुर स्वर भर दिया हर एक इंसान के अंदर। वाक शक्ति आने लगी और उसी के साथ जीवन के अंदर विद्या का महत्व महसूस होने लगा। सोचा कि सचमुच विद्या ग्रहण करनी चाहिए जिससे व्यक्ति की बुद्धि की प्रभा बढ़ने लगे, उसकी आध्यात्मिक प्रज्ञा जागृत हो और जीवन के अंदर उच्चता को प्राप्त करे। और इसीलिए विद्या की देवी मां सरस्वती का जन्म दिन मनाते हुए हर एक भारतवासी को खुशी होती है। वैसे भी शिव शक्तियों में 3 शक्तियां विशेष गाई जाती है, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती। और ये तीनों देवियों का विशेष दिन भारत भर में मनाया जाता है। माँ सरस्वती का दिन बसंत पंचमी है। इसी तरह अगर देखा जाए तो माँ लक्ष्मी का दीपोत्सव के साथ आता है और माँ दुर्गा का नवरात्रि के रूप में गायन और पूजन त्योहार के रूप में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। विद्यादायिनी माँ सरस्वती की पूजा हर एक पाठशाला में होने लगती है। विशेष बच्चों को अक्षर ज्ञान प्राप्त होता है
और जो माँ सरस्वती की आराधना करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, उसकी मन की प्रतिभा विकसित होने लगती है। माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त करते हैं और उनके अंदर बौद्धिक प्रतिभा विकसित होने लगती है। माँ सरस्वती का वरदान जिन्हें भी प्राप्त हो जाए उन्हें विद्वान माना जाता है। इसीलिए दुनिया के अंदर जो भी विद्वान हो गए उन्हें पंडित या सरस्वती की उपाधि से नवाजा जाता है, अर्थात कि वो दिव्य बुद्धि की प्रतिभा वरदान रूप में प्राप्त करता है। आज माँ सरस्वती का दिव्य स्वरूप जब हम देखते हैं तो वह भी हमें कितनी सुंदर प्रेरणा देता है कि जिनके पास ये आध्यात्मिक प्रज्ञा वरदान रूप में प्राप्त कर लेते हैं जो भी आत्माएं, तो माँ सरस्वती को एक तो सफेद वस्त्रधारी दिखाते हैं, अर्थात स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक, हंस पर बैठी हुई, अर्थात जिसका वाहन हंस है इसीलिए उसको हंस वाहिनी भी कहा जाता है। हंस की विशेषता यही है कि जो नीर और क्षीर को अच्छी तरह से परख करके अलग कर सके, कंकड़ और रत्न को परखते हुए अलग कर सके, और जो मोती को ही चुगता हो, अर्थात इतने अमूल्य चीज को ही ग्रहण करता हो, तो ऐसी जिसके पास आध्यात्मिक प्रज्ञा विकसित होने लगती है उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती जो सत्य और असत्य के बीच में अच्छी तरह से परख सकते हैं, और सत्य को अपनाना, क्षीर को अपनाना और नीर को अलग करके दूर कर देना, रत्न को ग्रहण करना अर्थात दिव्य गुण रूपी मोती को चुग लेना और बाकी व्यर्थ की बातों को छोड़ देना, ऐसी शक्ति उस आत्मा के अंदर आने लगती है। साथ ही माँ सरस्वती का एक हाथ वरदहस्त के रूप में दिखाया है, अर्थात सर्व को सहजता से वरदान प्रदान कर देती है, वरदानी स्वरूप है, और इसीलिए सहजता से उसका वरदान हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मन की स्थिति बहुत निर्मल और पवित्र रखनी पड़ती है। अगर मन की स्थिति में घमंड आ जाए, अभिमान आ जाए, तो माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से माँ सरस्वती निर्मल और पवित्रता, स्वच्छता का प्रतीक, सफेद वस्त्रधारिणी है, हंस वाहिनी है, इसी तरह हमें भी अपनी बुद्धि को निर्मल पवित्र रखनी होगी, तब माँ सरस्वती का वरदान सहज ही प्राप्त कर लेंगे। तीसरे हाथ में अनेक ज्ञान के पुस्तक है, अर्थात तभी हमें विद्या का वरदान सहजता से प्राप्त होता है और आध्यात्मिक प्रज्ञा, आध्यात्मिक चक्षु हमारे खुलने लगते हैं। साथ ही साथ चौथे हाथ में माला दिखाई है, अर्थात के निरंतर परमात्मा का स्मरण करना, उनकी स्मृति में रहना, अर्थात अजपा जाप निरंतर चलता रहे। जितने ईश्वर की याद में रहेंगे तो माँ सरस्वती का वरदान सहज प्राप्त होता जाएगा। और इसीलिए उनको वीणा दिखाई हुई है, अर्थात कि जीवन के अंदर
जो सात सुर है वो सातों सुर भर जाते हैं, सात सुर भी गाए जाते हैं, सात रंग भी दिखाए जाते हैं, अर्थात हमारा जीवन खुशियों के सप्त सुरों से भर जाता है, खुशियों के सातों रंग समा जाते हैं और खुशी खुशी हम जीवन व्यतीत करने लगते हैं, अर्थात जीवन में वो समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए इस दिन पर जो किसान होते हैं उनके खेतों में भी हरियाली के साथ साथ पीले पीले सरसों के फूल खिलने लगते हैं। पीला रंग खास करके पंजाब हरियाणा के तरफ जाओ तो सभी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग की चीजों को भोजन में भी स्वीकार करते हैं। पूरी धरनी जैसे सरसों के खेत से जैसे सुनहरी हो जाती है, ये पीला रंग समृद्धि का प्रतीक है। और समृद्धि तन मन में सिर्फ नहीं लेकिन पूरी प्रकृति के अंदर भी समृद्धि आ जाती है, जिससे मनुष्य की जो बौद्धिक शक्ति है वो खिलने लगती है। जितनी खुशी हमारे जीवन में आती है उतना स्वास्थ्य और समृद्धि सहजता से हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि ये त्योहार ऐसा परिवर्तन सिर्फ प्राकृतिक रीति से नहीं लेकिन मनुष्य जीवन में भी बहुत सुंदर परिवर्तन का आवाहन करते हुए हर इंसान उसको त्योहार में खुशी से मनाते हैं। तो आज हम भी उस समृद्धि का अनुभव अपने जीवन के अंदर करें और निरंतर ईश्वर के प्रेम में स्वयं को समाते हुए उस प्रेम का अनुभव करें। बसंत पंचमी की पुनः लख लख बधाइयां हो, बहुत बहुत खुशी भरा सबका दिन गुजरे और उसके साथ आने वाले दिन भी सब बहुत सुंदर तरीके से अनुभव करें, मनाएं, ऐसी ही शुभ भावना शुभकामना देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।